पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है, इसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। हाँ। वो ये है कि 2 पेडेस्ट्रियन फैन मंगाए गए थे। अच्छा। कल। हाँ। जो कि आउटफील्ड पवेलियन एंड और मीडिया एंड की तरफ लगाए गए थे। हाँ। पिचेस के ऊपर, विकेट के ऊपर। अच्छा। ताकि विकेट आपकी ड्राई हो जाए। शुक्र है हाथ में पंखा लेके नहीं झल रहे थे, ये तो खाली पेडेस्ट्रियन फैन ही मंगवाए थे। मतलब ठीक है, लेवल होता है, लेकिन ये लेवल है इन लोगों का। आपका क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है ना, तो ठीक है, 2 पखे लगा दिए। दो के बिजली बहुत महंगी है, बट चलो 2 पखे लगाकर गुजारा तो करना है ना। गीली पिच तो नहीं छोड़ सकते। कल गला को पता चले बांग्लादेश वाले टॉस जीतकर गीली पिच पर हम ही आगे कर दें। क्या होना, जरा बैटिंग करो, फिर उसके बाद हम वहां पर जिंगा लाला डांस करते हुए नजर आए। So, बांग्लादेश इनको भगा भगा के मारेगी, यही लग रहा है भाई। इस पिच के ऊपर जहां पे देखो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं 135-130 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड अब बची नहीं है। 1-2 गेंदे फेंकते हैं, वो भी मर मरा के 140। बांग्लादेश वाले इनसे तेज बॉलिंग करा रहे हैं। बांग्लादेश की बॉलिंग में इनसे ज्यादा फायर पावर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पहले टेस्ट मैच के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से मुमकिन ना हो सका, और इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों के दाखिले को फ्री कर दिया था। लेकिन पहले दिन एक गेंद तो दूर की बात, दोनों कप्तान टॉस के लिए भी मैदान में नहीं आए, क्योंकि दोनों टीमों ने बारिश के सबब होटल से स्टेडियम का सफर भी नहीं किया। कोशिश इनकी शायद ये हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने एम्प्लाइज हैं सबको 500-600 जो एम्प्लाइज हैं उन सबको एक पक्के दे दिए जाए प्लास्टिक के। हाँ। तो ताकि वो खराब भी ना हो, उनकी बीट्स भी ना टूटे, तो वो उसके जरिए विकेट्स खुश कर सकते हैं। एक तो वेन्यू का इंतखाब, प्रीवियस प्रोग्राम में भी बेग साहब आप पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का, जो क्रिकेट पे आप नजर रखते हैं, जो कासिम इकबाल साहब रखते हैं, वो शायद हम इतनी नजर नहीं रखते हैं। लेकिन अपने शहर के हवाले से बात ये करूंगा कि पाकिस्तान का जो पिंडी का जो स्टेडियम है ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। अभी 12 अरब रुपया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लगा रही है पुराने स्टेडियम के ऊपर। सही। तो लाहौर का स्टेडियम देख रहे हैं, पिंडी का स्टेडियम देख रहे हैं। हाँ। ये गुंजान आबादी के अंदर ये स्टेडियम वाकया है, और बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर होता है, लोग बददुआएं। फिक्रमंद होने की बात तो है, जाहिर है मैनेजमेंट के लिए भी है और हर पाकिस्तानी के लिए। चाहते हैं हम कि पाकिस्तान जीते, पिछली परफॉर्मेंस का बदला ले, मैं तो यही कहूँगा। और बाकायदा जो है वो एक स्ट्रेटजी के साथ जाएं, पिछली वाली स्ट्रेटजी के साथ नहीं। पिछले वाली स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, मानना चाहिए इनको, तो बिल्कुल होगा। बट हाँ, अगेन जो है बारिश ने वाकई मज़ा किरकिरा किया है, और ये तब तक चलेगी अपनी जगह है। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद जो है ना, अगर 2 दिन नहीं हुआ तो फिर जरा सी फिक्रें और बढ़ जाएंगी, इसलिए कि जो दिखाया जा रहा है हमें, पहले भी दिखाया गया था और अब भी जो दिखाया जा रहा है हमें, वो काफ़ी ग्रीन है। और जाहिर है बारिश होती रही तो आपको पता ही है कि फिर जो है वो कवर्स पड़े रहेंगे, फिर वही होगा कि जो है वो ग्रास होगी लेकिन नमी उसमें काफ़ी होगी, तो फिर जो टॉस के ऊपर फिर कहानी आना शुरू हो जाएगी। तो वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैच होना चाहिए, बट वेदर तो यही कह रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला है। ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, तौसीफ अहमद साहब बड़े उदास हैं आप, दिल गिरफ्ता है आप, तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ना सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा हैं, लेकिन पूछूंगा आप आज, आपकी आवाज़ बड़ी डल है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल आपके सामने रखूँ, मैं सिकंदर भगत साहब की तरफ चलूँगा। सिकंदर भगत साहब, क्या लग रहा है आपको? मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ अजीबोगरीब सी गुफ्तगू हो रही है। मैं अरफा को कल भी ये पूछ चुका हूँ, दोबारा पूछूंगा अरफा से, लेकिन पहले आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि टीम मैनेजमेंट की कोई सिर्फ दिखाई दे नहीं रही है। भाई अगर आपने शाहीन आफरीदी को नहीं रखना था टेस्ट मैच में, और ये कहना था कि भाई अगर शाहीन आफरीदी अपनी फैमिली को वक्त दें, तो फिर उनको कराची से पिंडी बुलाने की ज़रूरत क्या थी? ये देखो, ये जो पहले तो मैं ये जो चीज़ बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए नुकसानदेह कि मैं खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते और ये सीरीज़ जो है वो बराबर तो करे, वरना सीरीज़ हारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना टाइम ज़ाया हो रहा है, आज का एक दिन पूरा दिन ज़ाया हो गया, तो ये इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ को बराबर करने के लिए। वो जो आप बात कर रहे हो, आप भी उस दिन जेसन ग्लिप्सी के साथ थे, इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने लंच किया था, उस वक्त वो यही कह रहा था कि जी उसने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर ली शाहीन ने, कि एक झटका ऐसा पड़ा कि बिल्कुल ही बौखला गए। और ये बाबर आजम जो पिच का मुआयना करने आए हैं ना, यहाँ पे बैटिंग होने नहीं वाली आराम से। पहले बाबर आजम क्या करते थे, फ्लैट ट्रैक बनवा के 100 मारते थे, है ना, दुनिया में बहुत नाम कर दिया। और जो लोग ये नहीं समझते ना, अभी भी बड़े लोग बोलते जो पाकिस्तानी के, देखो सुशांत भाई वो प्लेयर बड़ा है, 2-3 साल बुरे हैं। बेटा पहले 1-2 साल खेलना आसान है, इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा प्लेयर है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो लंबे समय तक ना कंसिस्टेंटली रन मारे, बिकॉज 1-2 साल में बॉलर समझ जाते हैं कि भाई इसकी कौन सी शॉट्स फेवरेट है, इसको कौन से एरियाज में बॉलिंग करानी है, उसके बाद पता चलता है आप कितना अडाप्ट कर सकते हो। और ये बार बार सेम तरीके से आउट होता है। आप देखो वर्ल्ड कप में, आप देखो एशिया कप में, आप अभी देखो बांग्लादेश वाले में कितनी बार या तो थ्रू द गेट बोल्ड हो गया, इसमें प्लेड ऑन हो गया, कितनी बार आपने देखा होगा। बैट और पैड के बीच में जो हल्की सी बॉल ऊपर आती है और अंदर आती है, बाबर आजम से खेली नहीं जाती है अभी तक, उसका ही हल नहीं निकाल पा रहा। जैसे रोहित शर्मा काफी दिन तक स्ट्रगल करा उन्होंने, लेफ्ट आर्म बॉलर है ना, अराउंड द विकेट आते हुए, बॉल अंदर लाते हुए, बाहर लाते हुए, पहले के एक दो ओवर बहुत परेशानी होती है उनको, बहुत बड़ा आउट हो चुके हैं। सिमिलरली विराट कोहली का 3-4 साल ड्रामा चला कि भाई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कराओ और आउट होते, लेकिन बाबर आजम तो अपने करियर में बहुत अर्ली ऑन ही अभी ये पिछले 3-4 साल से इतनी बार एक्सपोज हो गया एंड ही इज नॉट बीन एबल टू अडैप्ट टू इट। ये बड़ी बात है। पिछली 14 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस में 50 नहीं है इस आदमी का, 50 नहीं है। आपका नींद गायब हो गया क्या? नहीं है तो। नहीं, लेकिन यहाँ पर बाबर को लेकर ऑब्सेस क्यों? बांग्लादेश का बाकी प्लेयर्स भी है, कैप्टन वो भी तो है यहाँ पर। देखो अरे यार अभी जो इनका मेन प्लेयर है उसी की बात होगी ना, अगर मेन प्लेयर यही तो प्रॉब्लम है। आप प्लीज डोंट ग्लोरीफाई वन इंडिविजुअल, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? आप बाबर चिल्ला रहे हो तब से। ये तो बाबर वो नवाब साहब अभी भी शेरवानी पहन कर बाजार में निकल जाते हैं, बताते हैं जद्दी पुश्ती नवाब हैं और हमारी अभी भी हवेली कायम दायम है। और कोई कहे नवाब साहब जरा अपनी हवेली दिखा दे तो उसे अपने एक मतले के छोटे से घर के सामने जाकर खड़ा कर देते हैं और बंदा उसको देखकर कह रहा होता है नवाब साहब ये हवेली है, नवाब साहब कहते हैं जी ये हमारी हवेली है। तो बंदा आगे से मेरे जैसा आदमी हो ना, वो कहता है नवाब साहब इसमें ना हवेली का है ना फिट हो, आप इसको हवेली कह रहे हैं, ये तो शुरू मतलब खत्म क्या, शुरू होते ही खत्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ खत्म हो गया आपका ये जिसको आप हवेली कह रहे हैं। लेकिन नवाब साहब बजीद होते हैं कि नहीं हमारे पुराने दौर, क्योंकि हम जद्दी पुश्ती नवाब हैं तो हमें नवाब साहब ही समझा जाए। भैया मतलब खुद सोचो ना, अब हमारी कोई पुरानी ग्लोरीज है वो ठीक है, पीएसएल का टाइम था उस टाइम हम बेहतर थे। अगर आप वो इनिशियल आप वो जाकर पीएसएल का दौर याद करें, वो ना वो दद्दा से पहली मरतबा जब मिला ना अपना मुन्ना भैया, तो उन्होंने भी यही कहा था ना कि ये दद्दा है ये तो अद्दा है, तो ये हमारा भी ना कोई वाला हाल है। हम ऊपर से जितने मर्जी खड़पैंच बन जाए, वो जब सामने आता है हमारा तो हमारा पता लगता है कि नस्ता गोल हुआ पड़े। वो जो पीएसएल के इनिशियल डेज थे ना, जब ये नया नया स्टार्ट हुआ था पीएसएल, तब तो यार इस लीग की क्वालिटी और थी। इस लीग में जो बॉलिंग अटैक था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक समझा जाता था और सारी फ्रेंचाइजेज का शुरू के सालों में तो दुनिया के जितने बड़े बड़े T20 के प्लेयर्स हैं, क्या वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, फलाने टिमकाने सारे आते थे, हमारी लीग भी खेलते थे, एंजॉय भी करते थे, सारा कुछ था, क्वालिटी थी, कंपेटिटिवनेस नज़र आती थी। मतलब पीएसएल का शुमार इसके अर्ली ईयर्स में दुनिया की बेहतरीन लीग्स में किया जाता था। लेकिन बस फिर बात वही है ना, हमारे हाथ में एक चीज़ आई और हमने बस वो गुजरात में ना एक कहावत है कि बच्चों को एक ख़ास चीज़ मिली जिसे वो कुछ और कर सकते थे, बड़े होकर बच्चे होकर तो उनकी किसी चीज़ के उसमें फ़ायदे में नहीं थी, लेकिन उन्होंने समझ नहीं आई, उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से ना उस चीज़ को रेत से भर दिया। अब वो चीज़ क्या है, वो एक जैसे कहते हैं ना आप यूँ कह लो कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है। अब वो समझ जाओ कि बच्चों के हाथ क्या लगा होगा जिसको उन्होंने रेत से भर दिया, तो उनको समझ नहीं। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है जिसमें उन्होंने अभी तक 246 रन का स्कोर किया 7 विकेट के ऊपर, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले बारिश हो गई थी जिसके बाद भाई पूरा स्टेडियम जो है पिच के लिए हो गई थी और वहाँ पर पानी भर गया था। उसके लिए पाकिस्तान ने पिच को सुखाने के लिए भाई जो है पेडेस्टल फैन होते हैं उसका यूज़ किया गया था। उससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया था, लेकिन अभी जो फैंस लगा के पिच को सुखाया गया है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बातें चल रही है और उनका जो है एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। पीसीबी को स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए करोड़ों अरबों रुपए मिले हैं और उसके बाद ये जो पिच को ड्राई करने का इनका तरीका है, इस वजह से भाई पाकिस्तान के लोग काफ़ी नाराज़ है क्योंकि फैंस वगैरह लगा के, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और फैन से पिच सूखने का प्रोसेस लंबा होता है और वही है कि अगर उससे फैन से पिच को सुखाएंगे तो उसमें जो है नमी तो बरकरार रह जाती है। तो उनका जो ये तरीका है पिच सुखाने का, इसकी भाई मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान भी बड़ा मजाक उड़ा रही है कहीं वो सबके हाथों में जो प्लास्टिक के फैन होते हैं हाथ जलने वाले उसको लेकर ही पिच ना सुखाने लग जाए। तो पैसे इनको दिए गए हैं, करोड़ों अरबों रुपये दिए गए हैं, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ की जो सुविधाएँ हैं वो भी अभी जो है ऐसी लग नहीं रही कि भाई पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है। एंट्री भी फ्री कर दी थी, पहले तो बहुत ही कम रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भाई जब कोई देखने नहीं आया तो फैंस के लिए फ्री एंट्री कर दी, लेकिन फिर भी जो है लोग उसको देखने के लिए नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हो रही है।